फोन टैपिंग मामले के आरोपी निलंबित आईपीएस ब्रजेश सिंह आज ईओडब्ल्यू के दफ्तर पहुंचे। ईओडब्ल्यू ने उन्हें पूछताछ के लिए नोटिस भेजा था। निर्धारित वक्त के मुताबिक ब्रजेश सिंह को सुबह 11:30 बजे ईओडब्ल्यू पहुंचना था, लेकिन वे 20 मिनट की देरी से 11:50 पर पहुंचे। एक हाथ में फाइल और एक हाथ में थैला लिए सर नीचे किए हुए उन्होंने अकेले ही कार्यालय के भीतर प्रवेश किया। इस दौरान ब्रजेश सिंह के चेहरे के भाव बता रहे थे कि वे बेहद परेशान हैं और वे इस मुसीबत से जल्द निजात पाना चाहते हैं। ब्रजेश सिंह पर नान घोटाले और फोन टैपिंग के मामले में निलंबित डीजी मुकेश गुप्ता के साथ मिलकर साजिश रचने का आरोप है।